तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी रैंक उस पे अक्षय कुमार, जीएसके फैकल्टी, आपका स्वागत करता हूँ। सो आपको पता है, आज हम इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन करेंगे, अर्थव्यवस्था, और सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊँ, पैसा। पैसे के क्या मायने हैं, आज इसके पीछे सारी दुनिया है, और जिसके पीछे आप लोग भी भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, हर किसी को पैसे से, इवन आज पैसा एक पैमाना है लोगों की ज़िंदगी में, कौन कितना अमीर है, कौन कितना, एक आइडेंटिटी बन गई मनी। सो आज के इस पर्सपेक्टिव में, आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो सबसे बड़ा विषय है, वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या है अर्थव्यवस्था, किस चीज़ से संबंधित है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा इतिहास को देखते हैं कि पहले क्या था, आज क्या है। तो दोस्तों, एक पुराने समय में एक कहावत थी कि भाई, ज़मींदार जो है वो राजा होता था अपने आप में, और जो नौकर है वो नौकरी करता है। लेकिन आज के टाइम में देखो, हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। तो ये सिचुएशन कैसे चेंज हुई, ये स्थिति कैसे चेंज हुई, यही चीज़ है इकोनॉमिक्स कि इस चीज़ को, पैसे को लेके हम कैसे अपने लाइफ में, पैसा क्या मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। सो दोस्तों, पहले क्या होता था, ज़मीन, जैसे इंसान के पास ज़्यादा ज़मीन वो उतना ही ज़्यादा अमीर। तो होता क्या था, अगर कोई राजा का लड़का तो राजा बनेगा, कोई ज़मींदार का लड़का वो ज़मींदार बनेगा, कोई शेड्यूल कास्ट का लड़का वो शेड्यूल कास्ट बनेगा। मतलब समाज में सपने देखने के लिए कोई जगह नहीं है। जिसका आप, खाती का बेटा खाती बनेगा, मोची का बेटा मोची बनेगा, हर इंसान का जो प्रोफेशन था ना, वो फिक्स था। तो जो आज हम सपने देखते हैं, कोई एक्टर बनता है, कोई सिंगर बनता है, जो अलग अलग सपने हैं, वो चीज़ उस टाइम नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे ज़मीन सबसे बड़ी चीज़ थी। लेकिन जैसे पैसे का आविष्कार हुआ, अब ज़मीन को तो क्या है, हर इंसान अपने बच्चे को ज़मीन देता है, लेकिन जैसे ही पैसे का आविष्कार हुआ, तो उसने समाज में जो ठहराव था उसको ख़त्म कर दिया। अब पैसा एक्वायर करके इंसान ज़मीन खरीद कर सकता है, अब पैसा एक्वायर करके हम पेट्रोल पंप खरीद सकते हैं, अब पैसा बना के हम पूरे पूरे इंसानों को भी खरीद सकते हैं, जिसको हम लेबर बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं। तो पैसा सबसे पहला एक अच्छा काम क्या किया, पैसा ने जो जन्मजात चीज़ थी ना, कि ज़मींदार का बेटा ज़मींदार ही बनेगा, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। आज कोई भी इंसान, इसने सोशल मोबिलिटी को बढ़ाया, इसने समाज में जो लोग चेंज हो सकते हैं अपने अपने रोल पे, इसने जन्म आधारित संस्था को कर्म आधारित बना दिया। तो पैसा एक इक्विलाइजर है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो हमारे OBCs हैं, जो अलग अलग कास्ट है, आज वे लोग मुख्य धारा का हिस्सा बन पा रहे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की वजह से। सो पैसे की इम्पोर्टेंस इस दृष्टिकोण में समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि पैसा इज एन इक्विलाइजर। ओके, पैसे को लेकर देखो दोस्तों, सिंपल सी चीज़ क्या है, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, पैसे से आप अपना घर बनवा सकते हो, पैसे से आप ज़मीन खरीद सकते हो, पैसे से आप शिक्षक खरीद सकते हो, पैसे से आप हर चीज़, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। तो आज हर इंसान ने क्या है, पैसे के लिए दौड़ में लगा हुआ है। आप जैसे यंगस्टर्स अभी क्या चाहते हैं, कि नौकरी मिल जाए, नौकरी से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो आप पैसे के थ्रू अपनी आज़ादी ढूंढ रहे हैं, घर के तानों से आज़ादी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे किताबें दो, ज्ञान दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे अपना टाइम दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शिक्षा का सिंपल सा एक पर्पज़ है। आज आप लोग मनी के थ्रू, आप सरकारी नौकरी लगोगे तो पैसे के थ्रू, आप सब लोगों को क्या चाहिए, अपनी आज़ादी, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, अपनी एक पहचान बनानी है, और मनी उसका मीडियम है। सबसे पहले तुम मनी की बात करते हैं। दूसरी चीज़, मिडिल क्लास। तो दोस्तों, मिडिल क्लास क्या चीज़ है, आज इतने ज़्यादा, अभी सुशांत सिंह राजपूत भाई ने सुसाइड कर लिया है, बहुत सारे सुसाइड केस आ रहे हैं सोसाइटी में। एक्चुअल में इसका क्या कोई संबंध है क्या अर्थव्यवस्था से, इसका कोई संबंध है क्या इकोनॉमिक्स से? इसका संबंध है दोस्तों। पहले क्या होता था, लोग सपने नहीं देखते थे, ज़मींदार का बच्चा ज़मींदार, मोची का बच्चा मोची। लेकिन जैसे ही पैसा आना शुरू हुआ ना, तो अब एक आइडिया बन गया है कि हर इंसान सपने देख सकता है,
और जब इंसान सपने देख सकता है, उम्मीदें देख सकता है, तो इंसान की उम्मीदें और सपने टूटती भी हैं। बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग फेल्योर होते हैं। लेकिन कुछ लोग सपनों को पूरा कर पाते, कुछ टूट जाते हैं। तो आज जो मिडिल क्लास फिनोमेना है, ये मिडिल क्लास कॉन्स्टेंटली घबराया हुआ है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊँ, और कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे कुछ सपने हैं जिसको मैं परस्यू कर रहा हूँ। तो इस इंसान को हमेशा एक टेंशन रहती है। और आप अपनी जॉब के थ्रू, अपने जो कुछ भी है, आज एक मिडिल क्लास में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पुलिस वालों में क्या होता है कि जो भी अपर क्लास है, जैसे आप सोसाइटी में जाते हो, अगर किसी ट्रैफिक वाले ने रोक लिया और कोई अपर क्लास से बिलोंग करता है, तो पुलिस वाले से फ़ोन पर बात करा दे किसी की कि देखो वो मेरा जानकार है और मेरे को जाने दो, और हो सकता है पुलिस वाले उसको छोड़ भी दे। अच्छा, एक जो बिल्कुल ही गरीब है इंसान, उसको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस को पता है ये तो कुछ ना, तो इसके पास चलान भरने पैसे है ना कुछ है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, इसको तो जेल में डालेंगे, तो हमें ही खिलाना पड़ेगा अपनी जेब से। लेकिन फंसेगा कौन? मिडिल क्लास, जिसको बेचारे को डेली भागना है, डेली आना है, उसको पता है कि अगर इन्होंने तेरे को रोक लिया तो आज सबसे ज़्यादा जो पिटता है, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो मिडिल क्लास है। तो अर्थव्यवस्था का भी सिंपल से रिलेटेड है। जैसे ही पैसा आना शुरू हुआ तो एक मिडिल क्लास बना, और ये मिडिल क्लास कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव कर रहा है कि कैसे मैं अपर क्लास का हिस्सा बनूँ। तो दूसरी चीज़ हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे। अर्थव्यवस्था में सिंपल सी चार चीज़ें होती है, चार चीज़ें, ज़मीन, मजदूर, पैसा और बैंक। सो अगर आपको गरीब से अमीर बनना है, अगर आपका सपना है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो आपका, तो आपको ये विषय बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो देखो, इन चार चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरे अर्थव्यवस्था के मास्टर हो जाएंगे, आप पैसे का खेल देखोगे। तो सो देखो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में केवल चार फैक्टर होते हैं, ज़मीन, उसके बाद मजदूर, उसके बाद कैपिटल पैसा, उसके बाद बैंक। आप सभी को तो पता है रियल एस्टेट के बिजनेस का, प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस का, जिस देश में 2% दुनिया की ज़मीन है, 17% पॉपुलेशन है, 2% ज़मीन है हमारे पास और पॉपुलेशन है 17%, तो क्या वहाँ पे ज़मीन के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे समय के साथ? तो बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने ज़मीन में पैसा लगाया था, उनको बहुत अच्छे रिटर्न मिले, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो क्या भारत में ज़मीन पैसा हमेशा आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, पैसे से पैसा बढ़ेगा? हाँ। चलो ठीक है, बात करते हैं, आप एक गरीब बच्चे हो या फिर एक आप मिडिल क्लास बच्चे हो, कैसे आप लोग अमीर क्लास का हिस्सा बनोगे, मिडिल क्लास से आप कैसे जंप करोगे? तो आप हमेशा चार चीज़ों पर ध्यान देना। क्या आपके पास ज़मीन है? क्या आपके फादर के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि उन्होंने आपको विरासत में दे दी? तो आप अमीर बन सकते हो। जैसे बहुत सारी कास्ट हैं जो ज़मीन बेच के पैसा कमा लेती है। दूसरी चीज़, कैपिटल। कैपिटल वाला क्या करता है? अभी एक पड़ोस में एक इंसान है, उसके पास पैसे थे 10 लाख रुपए, उसने एक फोटोस्टेट की मशीन रख ली और साथ में जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर रख लिया, कंप्यूटर ऑपरेटर रख लिया, और लोग उसके पास साइबर कैफे से आते, उससे अपना काम करवाते, फोटोस्टेट करवाते, और उसका पैसे ने पैसा बनाना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा सा पैसा डाला एक दुकान में और उसके पैसे ने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। साथ में एक मेरा दोस्त है, उसने एक ई रिक्शा खरीद ली और ई रिक्शा पे उसके पास 10 लाख रुपए थे, उसने 3-4 ई रिक्शा ली और उसने 3-4 लेबर इकट्ठे किए गांव से और उसने वो ई रिक्शा चलवानी शुरू कर दी। अब उसका पैसा उसको पैसे कमा के दे रहा है। तो पैसे से पैसा बनाया जाता है दोस्तों। पहला तो ज़मीन आपको पैसा देगी, दूसरा कैपिटल आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, तीसरी चीज़ बैंक। बैंक से आपको जो लोन मिल जाता है आप उससे अपना बिजनेस खोल लो। लेकिन चौथी चीज़ जो हमारे स्टूडेंट के पास होता है वो है लेबर, जिनके पास ये तीनों चीज़ नहीं होती, ना तो ज़मीन होती, ना ही पैसा होता और ना ही बैंक इतना सपोर्ट करते, उन लोगों के लिए क्या?
तो दोस्तों उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, लेबर, मजदूरी। हालांकि ये शब्द बड़ा ही खराब लगेगा हिंदी में, लेकिन चलो एक सक्सेस मॉडल पढ़ते हैं उससे पहले चाइना का, फिर मैं लेबर पर आता हूँ। ठीक है कि चाइना ने कैसे अपने आप को एक गरीब देश, ने कैसे अपने आप को एक अमीर देश बनाया, और आप कैसे एक गरीब देश से अपने आप को एक गरीब इंसान से अपने आप को एक अमीर इंसान बना सकते हैं। लेट अस डिस्कस इट। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे चाइना ने कैसे अपने आप को एक गरीब देश से, जो कि 1978 में भारत से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश था, वो कैसे एक अमीर देश बन गया, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले चाइना ने क्या किया। इकोनॉमिक्स में वही चार चीज़ होती है, बैंक, ज़मीन, लेबर, कैपिटल। कैपिटल बोले तो पैसा, पैसा, मजदूर, ज़मीन और बैंक। तो सबसे पहला काम चाइना ने क्या किया, चाइना ने सोचा, सबसे पहले काम उसने सोचा कि मेरे को कैसे अमीर बन सकता है। उसने सबसे पहले अपनी खूबी पे ध्यान दिया कि उसके पास क्या ऐसी चीज़ है जो और दुनिया के पास नहीं है। तो चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी जो है जनसंख्या वो चाइना के पास है। तो उसने ध्यान दिया कि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्या है, मजदूर है। ठीक है, और इतने ज़्यादा मजदूर होंगे, जब हर किसी को काम चाहिएगा तो मजदूर जो बड़ा सस्ता मिलेगा, क्योंकि हर कोई काम करेगा, उसको थोड़े पैसे मिल जाएंगे, वो काम करेगा। तो उन्होंने सबसे पहले आइडिया लिया कि दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर कहाँ है, हमारे पास है। दूसरा उन्होंने देखा कि हमारे पास ज़मीन, दुनिया के कुछ ऐसे देश जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उनमें से चाइना एक है। तो चाइना ने दूसरा अपना जो विश्लेषण किया कि हमारे पास ज़मीन है तो क्यों ना इस ज़मीन को इस्तेमाल में लाया जाए। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या की, जैसे भारत ने एज अ देश क्या किया, भारत ने एज अ देश डेमोक्रेसी चुना, लोकतंत्र चुना, लेकिन उन्होंने डिक्टेटरशिप, उन्होंने कम्युनिस्ट चुना, उन्होंने तानाशाही चुनी। तो वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारे पास जो है सस्ता लेबर है, और दूसरी चीज़ हमारे पास ज़मीन है। तो उनके पास क्या नहीं था, उनके पास अच्छे अच्छे बैंक नहीं थे और उनके पास पैसा नहीं था। तो उनको लगा कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका के जितने बड़े बड़े दे अमेरिका जैसे जितने बड़े बड़े देश हैं, उनका पैसा और हमारे मजदूर और ज़मीन, जैसे आज के टाइम आप सब सुनते हो चाइना दुनिया के सारे फ़ोन बनाता हो, कैसे बनाता है। अभी पीछे अपना एलन मस्क भाई साहब है, उन्होंने चाइना में अपनी फैक्ट्री लगाई है टेस्ला की। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे सस्ता लेबर है, और दूसरा उन्होंने अपने लोगों से मार पीट के ज़मीन ली है। वहाँ के लोगों के लिए कोई लेबर लॉज नहीं है, वहाँ पे लेबर लॉज जैसी कोई चीज़ नहीं है, श्रमिक कानून, जैसे हमारे यहाँ पे 8 घंटे काम करना है। अच्छा, डेमोक्रेसी है तो अगर किसी का अधिकार का हनन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाए, लेकिन चाइना में ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ पे मजदूरों को, तो कंपनीज को, जितनी भी विदेशी कंपनीज थी उनको क्या मिल गया, एक फ्री हैंड मिल गया मजदूरों से कैसे ट्रीट करना है। और सरकार ने क्या किया, लेबर लॉज जैसी चीज़ ख़त्म कर दी, मजदूरों के कानून ख़त्म कर दिए। उसके बाद जो ज़मीन थी उनके पास, वो सब लोगों से डंडे मार मार के छीन ली गई कि ये ज़मीन दे दो, अब यहाँ पे जितने व्यापारी आएंगे वो पैसा लेकर आएंगे अपना। और उन्होंने वहाँ पे क्या किया, अपनी जो कमी थी वो दूसरे की ताकत, जैसे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, अपनी कमी को उन्हें काम करने के बजाय दूसरे का साथ ले लिया, दूसरे का सपोर्ट ले लिया। और उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन और अपना सस्ता लेबर और दुनिया की सबसे अमीर कंपनी अपने देश में बुला ली और बोले कि हमारे यहाँ पर आकर आप लोग काम करो। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या की, जो उनका लेबर था ना, जो उनका मजदूर था, उन्होंने देखा दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आई, उन्होंने एडवाइस किया कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी क्या होता है दिवाली होती है तो हमारे यहाँ पे जो हमारे गणेश जी है, जो हमारे दीपक है, वो सब कहाँ से बनकर आते हैं, मेड इन चाइना। तो जितनी भी दुनिया की चीज़ होती है वो सारी चीज़ें चाइना बनाने लगा। तो उन्होंने अपने लेबर को एजुकेट किया,
सरकार ने अपनी जेब से सारा पैसा डाला शिक्षा पर, सारा का सारा पैसा शिक्षा पर डाला, हेल्थ पर डाला कि मजदूर हमारे हेल्थी रहे, और एक सबसे बड़ी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का आधारभूत ढांचा, रोड बनाने शुरू कर दिए। आज भी हमारे देश में गांव में कहावत है कि जिस घर के पास से रोड चलाएगा वहाँ की ज़मीन महंगी हो जाती है। तो चाइना ने एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आते गए, उन्होंने चाइना सरकार को पैसा दिया और चाइना सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, चाइना सरकार ने लोगों को स्किल दी जो कि भविष्य में उनके काम आने वाली थी। और इस तरीके से चाइना के पास मजदूर जो था वो उनका अपना था, ज़मीन जो थी वो उनकी अपनी थी, पैसा जो था सब विदेशी कंपनियों ने आगे डाल दिया, तो उनके बड़े बड़े बैंक बनने शुरू हो गए। आज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें चाइना की बड़ी हिस्सेदारी है। आज न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें चाइना की बड़ी हिस्सेदारी है। आज दुनिया का सबसे अमीर देश परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में चाइना है। तो दोस्तों, कैसे चाइना ने अपने आप को मजबूत किया, ये उसकी स्टोरी थी। अब देखते हैं कैसे भारत ने, क्यों नहीं भारत चाइना के साथ कम्पीट कर पा रहा, आप इस चीज़ से ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं, अभी उस पर बात करेंगे। जैसा कि किसी ने बताया है कि आपको अगर, जैसे चाणक्य ने कहा है, ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखो, ज़िंदगी में हमेशा दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि चाइना ने कैसे अपने आप को इतना एक विकसित देश बना लिया है, तो उससे क्या सीखा जा सकता है। अब देखते हैं भारत जो इतना पीछे रह गया, उसने क्या गलती की, उससे उसने क्या अच्छे काम किए, और भारत से भारत की क्या कमियां रहेगी जो भारत इतना पीछे है, चाइना से इतना पीछे रह गया, और हम उससे क्या सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो देखो दोस्तों, उन्हीं चार चीज़ों पर बात करेंगे। ज़मीन, मजदूर, पैसा और बैंक। अब चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो भारत दूसरे नंबर पे है, तो भारत के पास भी सस्ता लेबर था। अब ज़मीन जो है चाइना के पास है तो भारत के पास भी है, लेकिन भारत का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, जो सरकार का प्रशासन का तरीका था, वो लोकतांत्रिक था, और लोकतांत्रिक में एक अंग बहुत ज़्यादा विकसित था जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी। सो दोस्तों, हुआ क्या, जब भारत ने अपनी विकसित होने की तरफ कदम बढ़ाया, तो अंग्रेजों ने एक पॉलिसी लगा रखी थी, जमींदारी व्यवस्था, जो कि भारत को तोड़ो और राज करो की व्यवस्था थी, कि भारत के कुछ लोगों का समर्थन लेकर भारत के ज़्यादातर लोगों को दबाना। तो जमींदारी व्यवस्था में उन्होंने एक ज़मींदार क्रिएट कर देते, कि बड़े बड़े भूपति जिन्होंने 10-10 खेतों पर जो है कब्जा किया हुआ है, ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, तो ऐसे कुछ चंद लोग थे जिनका पूरा पूरा कब्जा था पूरे पूरे लैंड मार्केट पे। और जब नेहरू सरकार ने या फिर अलग अलग राज्य गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की, तो उन लोगों ने जो अंग्रेजी काल का जो ब्रिटिश सिस्टम का जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको पैसा दे के, उनको वो सब चीज़ें देकर, लोभ लालच जो भी देकर, उन्होंने ज़मीन का समान वितरण नहीं होने दिया, और उनके अधिकारों को हनन होने को लेकर वो लोग कहाँ पहुँच जाते, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि उस टाइम पे ज़मीन रखने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार था। तो जुडिशरी ने इस चीज़ में क्या किया, इंटरफेयर किया। आज भी आप लोग देखते हो कि भाई प्राइवेट लैंड पे कोई भी अगर रोड भी बन रहा है, तो कहीं कहीं कोई पे स्टे ले हुआ है, कोई कहीं पे स्टे ले हुआ है, मतलब ज़मीन के लेके हर जगह स्टे लग जाते हैं, कि कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं भाई अभी इस पे काम मत करो। और कोर्ट में जब कोई चीज़ चली गई, तो उसके लेके 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, या पता नहीं कितने साल लग सकते हैं, क्योंकि अपना जुडिशियल सिस्टम जो है ब्रिटिश कोलिन हेजमनी है, वो उनकी देन है। और उसके बाद जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको हमने, ज़मींदारी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर पाए, इसलिए भारत की सरकार के पास ज़मींदार कभी हुए नहीं, ज़मीन कभी हुई नहीं। तो भारत की सरकार के पास ज़मीन जब हुई नहीं, सरकार के जो, सरकार से अलग जो एक ज़मींदार माफिया था, उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा बनाए रखा, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी आएंगी वो अपने देश में आकर वो ज़मीन नहीं खरीद सकती, और खरीदेंगी तो इतने महंगे दाम पर। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनी, एक कारण तो ज़मीन की अवेलेबिलिटी नहीं होना, लेकिन अगर ज़मीन अवेलेबल हो जाए तो भारत का लोकतांत्रिक देश है, और उस देश में मजदूरों के कुछ अधिकार हैं।
तो जिस देश में एक तरफ एक विदेशी कंपनी आ रही है वो देख रही है कि भाई अमेरिका चाइना में है, वहाँ पे मजदूर सस्ता भी है, उसके पास स्किल भी है, और यहाँ पे भारत में कानून भी फॉलो करने पड़ेंगे, दुनिया भर के कानून, अगर किसी एक मजदूर के कुछ चोट लग गई फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में फिर 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, और उसके लिए वकील करना पड़ेगा, उसके लिए इतना सारा खर्चा होगा। कंपनी चलती है सस्ते के चक्कर पे है कि सस्ता माल बनाएंगे और महंगा बेचेंगे ताकि उनका प्रॉफिट हो। प्रॉफिट यहाँ पर ख़त्म हो जाता था। लेबर लॉज अभी मोदी सरकार ने इसलिए तो अपना 48 जो लेबर कानून थे उनको 4 में डाल दिया है कि सिर्फ 4 लेबर कोड होंगे, ना कि 48 कानून, जहाँ पे कभी कोई स्टेट का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आगे खड़ा हो जाता है, कभी कोई सेंट्रल का इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर राज हम बोलते हैं, कि आपकी कंपनी में ये कमी है, लाओ मेरे पास पैसा दो, नहीं तो मैं आपकी सज़ा ले दूंगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो दूसरी चीज़ मजदूर, मजदूर के कानून थे। तीसरी चीज़ ध्यान नहीं दिया गया इनको स्किल करने पर, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे भी अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज लोग चाहते थे नहीं तो भारत के लोग कुछ सोचे समझे सीखे, तो उन लोगों ने जानबूझ के भारत को स्किल नहीं दी। भारत में जो गांधी जी जो चरखा चलाते उसका पर्पस था कि लोग, जो हमारी दादी माताएं कपड़े बुनती थी, कि हम अपने कपड़े खुद बने हुए पहने, उस कारण था कि हमें ब्रिटिश लोगों से ना खरीदने पड़े। आज चाइना से कपड़े बन के आते हैं, यूएसए से कपड़े बन के आते हैं। तो गांधी का वो चरखे का सिंबल आत्मनिर्भरता का सिंबल था कि हम लोग अपना काम खुद करेंगे। तो उस एजुकेशन सिस्टम में जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था वो था गुलामी का सिस्टम, क्योंकि क्या होता था, ब्रिटिश को अपना प्रशासन चलाना पड़ता था, और कहीं से लोग आते, बाहर से विदेशी लोग आते तो वो महंगे पड़ते, तो क्यों ना भारत के लोगों को थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए इंग्लिश, और उनको ही प्रशासन में हिस्सा डाल दिया जाए ताकि सस्ते मजदूर मिल जाए। तो वो जो एजुकेशन सिस्टम लोगों को मजदूर बना कर रखने के लिए था, वो सिस्टम जो कि लोगों को गुलाम बनाने के लिए था, वो आज एक आदेश देश में लागू नहीं हो सकता था। लेकिन सरकार का फोकस, क्योंकि शिक्षा एक राज्य का विषय था, और राज्य के विषय पे नेहरू साहब काम नहीं कर सकते, राज्य के विषय पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, उसके लिए स्टेट जिम्मेदार है। जैसे आज हम देखते हैं केरला का राज्य शिक्षा के मामले में सबसे उच्चतर है, बिहार में वही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वो सब राज्य सरकार का काम है। तो शिक्षा के नाम पे हमारे लोगों को स्किल दी नहीं गई, उनको वो दिशा नहीं दी गई। जैसे भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिशा दिखाई कि उसने किस डायरेक्शन में लड़ाई करनी है। पैगंबर साहब ने क्या किया, उसने मुस्लिमों को दिशा दिखाई। तो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने वो दिशा अभी तक नहीं दिखा पा रहे यंगस्टर्स को। हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी भी वो चर्निंग जनरेट कर रही है, अभी भी लोग सरकारी नौकरी गुलामी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो एजुकेशन सिस्टम इंडिया को एम्पावर करने वाला नहीं है जो एक इंसान को इंडिपेंडेंट बना दे। वो एजुकेशन सिस्टम अभी भी नौकर तैयार करने की एक फैक्ट्री है, जो कि 12वीं पास हो जाती है, ग्रेजुएशन सिस्टम पास हो जाता है, लेकिन लोग तब भी खुद को एम्प्लॉयबल नहीं पाते। तो दोस्तों हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे लोगों को स्किल नहीं देगी, और स्किल नहीं देगी वहीं पर चाइना कंपनी आती एशिया में, देखती एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना, चाइना के लोगों के पास ज़मीन है, उनके पास मजदूर नाम के कानून नहीं, तीसरा उनके पास स्किल, तो वो चाइना में भाग जाते हैं। और इसी कारण से भारत के देश में पैसा नहीं आया, और जब पैसा नहीं आया तो भारत के जो देश आज आप देख रहे हो बार बार, बैंक जो है कभी यस बैंक गोते खा रहा है, कभी पंजाब नेशनल घोटाला हो रहा है, क्योंकि भारत में पैसे आए नहीं तो पैसे बैंक बनाएगा कहाँ से। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, हमारे जो पुराने बिजनेस मॉडल थे, हम लोग पूंजीवाद को नहीं फॉलो करते। हमारे देश में क्या होता था, अगर आपने कोई बिजनेस चलाना, अब अगर आपने कोई व्यापार करना, सबसे पहले तो आप इंस्पेक्टर को कुछ पैसे दोगे, उसके बाद जो लोकल पॉलिटिशियन है उसके फंड में कुछ जाना चाहिए, और तभी वो आपका अलाउड करेगा, नहीं तो आपका कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस खराब कर देगा, या फिर आपका कोई एक्साइज ड्यूटी, या फिर कोई आपका कस्टम है, बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिससे आपका नुकसान हो सकता। तो एक रेंट सीकिंग एटीट्यूड था भारत के लोगों में व्यापारियों को, कि व्यापारियों से जो है ना, भारत की इवन गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपना गए, सोशलिस्ट कि कोई भी कंपनी इस देश में बड़ी नहीं हो सकती, जो इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पर लागू हुई थी, कि कोई भी, जैसे आपका जो एयर इंडिया है आज, जो सबसे घाटे वाली जो चीज़ चल रही है वो टाटाज का था कभी, वो
प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन आज वो घाटे में चल रहा है पूरा पूरा देश का। हम जो लोग टैक्स पे करते हैं, हमारी जेब से वो सारा का सारा पैसा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि एयर इंडिया हमारे टैक्स से वो एयर इंडिया के पैसेंजर ट्रैवल कर पा रहे हैं। सो सोशलिस्ट पॉलिसीज ने कानून पे कानून बना दिए कि भाई ये यहाँ पे एनवायरनमेंट का क्लियरेंस चाहिएगा, ये वहाँ पे कानून बना देंगे, लेकिन लागू किस तरीके से होते हैं? एक इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जाएगा, वो कंपनी में जाके चेक करेगा, कंप्लेंट लिख देगा, कंप्लेंट जाएगी जुडिशरी में, जुडिशरी में वो 20 साल तक बेचारा मुकदमा अटका रहेगा, तो उसके बेचारे को वकील हायर करना पड़ेगा। ये सब पंगा लेने की बजाय भारत में बिजनेस शुरू ही नहीं किया गया, और भारत के लोगों को बेरोजगारी आज बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सरकार क्या कह रही है कि हम लोग कानून ख़त्म करेंगे, आपके सांस लेने पे कानून, आपके मास्क लगाने पे कानून, आपके बालों पे कानून, हर चीज़ पे कानून ही कानून। और जो तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि भारत में एक बिजनेस को लेके एक माहौल पैदा नहीं किया गया। अभी बैंक फेल हो रहे हैं, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी भारत की अर्थव्यवस्था की हालत जो काफ़ी ज़्यादा तंग है, उसको सुधारने के लिए हमारे को सबसे पहले हमारे को स्किल पे काम करना पड़ेगा, हमारे को जुडिशरी पे काम करना पड़ेगा, हमारी जुडिशियल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जो आज नए नए ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं, हमारे को हमारे लीगल सिस्टम पे काम करने पड़ेंगे, हमारे को हमारी ये ज़मींदारी व्यवस्था है इसका डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड होगा किसकी ज़मीन कहाँ पर है। जब तक हम ये सुधार नहीं करेंगे, भारत एज अ अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर सकता। नाउ दोस्तों, हम इसी पर बात करते हैं कि आपके जीवन में कैसे ये जो अभी मैंने पढ़ा है, ये आपके जीवन में कैसे काम कर सकता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज आप फिर वही देखिए, जमीन, लेबर, मजदूर, बैंक और कैपिटल। तो मेरे भाई, आपके पास हो सकता है जमीन नहीं हो, आपके पास हो सकता है बैंक तो होंगे ही नहीं, बैंक आपको लोन देगा नहीं, आपके पास हो सकता है पैसा नहीं हो, तो आपके पास बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, मजदूर। तो अब आपको समझना पड़ेगा सबसे बड़ी चीज क्या, डायरेक्शन। जैसे चाइना के रणनीतिकारों ने चाइना को डायरेक्शन दी थी कि वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, आप एज अ लेबर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो, जितने भी बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े लीडर होते हैं, वो हमेशा भविष्य उन्मुखी होते हैं, वो हमेशा सदैव ही भविष्य की तरफ देखते कि भविष्य में कैसा मार्केट होगा। जैसे भगत सिंह साहब, वो फांसी ले रहे थे लेकिन एक आज़ाद देश की कल्पना कर रहे थे। APJ अब्दुल कलाम साहब मरते मरते उन्होंने 1998 में, उससे पहले ही, को फॉलो करेगा भाई क्या चल रहा है, एक समझदार इंसान थोड़ा विश्लेषण करेगा, लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान, एक जेन्युइन इंसान, वो देखेगा नीड किस चीज़ की होगी, समाज को किस चीज़ की जरूरत होगी, उस चीज़ को लेकर काम करेगा, जिसने हम इकोनॉमिक्स में डिमांड बोलते हैं। तो आगे आने वाले फ्यूचर में, उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग था, आगे फ्यूचर है डिजिटल वर्ल्ड। तो जितने भी मेरे भाई हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या हार्डवेयर इंजीनियरिंग या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग या जितने भी वो कोर्स हैं, जैसे एक स्ट्रेटेजिक कोर्स है डिजिटल वर्ल्ड का, आप इस चीज़ पे काम कर लीजिए। दूसरा मैं ऑप्शन आपको बता,
में, स्कूल में, एजुकेशन में, ये चीज़ हर जगह काम आएगी। तो जो जो बच्चे हैं वो ब्लॉकचेन का अगर कोर्स कर लेंगे वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ब्लॉकचेन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। अच्छा, इसके बाद डाटा लर्निंग,